स्वामी न्यूज पर देखिए दिन भर की टॉप 10 न्यूज। अजमेर जिले में आज कोरोना के 4 नए मरीज सामने आए, इससे जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 428 पहुंच गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने बताया कि आज सुंदर विलास क्षेत्र से एक 32 वर्षीय नर्सिंग महिला कर्मी, दरगाह रास्ते के दहली गेट, कमला बाउड़ी क्षेत्र से 37 वर्षीय पुरुष, दरगाह के पन्नीग्राम चौक से 62 वर्षीय महिला और उपखंड ब्यावर के आर्य समाज गली में 74 वर्षीय वृद्ध की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शहर के सभी धार्मिक स्थल को खोलने के लिए जिला प्रशासन ने धर्मगुरुओं और संरक्षक से चर्चा की। इस पर सभी धार्मिक स्थल को कुछ शर्तों के साथ खोलने पर सकारात्मक चर्चा हुई। धर्मगुरुओं ने इसके लिए कुछ पाबंदियों को जारी रखने की आवश्यकता जताई। आज ये प्रशासन द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी धर्म स्थलों को खोलने की, धार्मिक स्थल, इस पर इन्होंने तिरुपति का और कृष्ण मंदिर का और सबरीमाला मंदिर केरल का और अमृतसर गुरुद्वारे का, पर वो बहुत बड़े स्तर पर हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है उसके अनुरूप जो भी काम है। इनका एक ये था कि 65 वर्ष से आयु का आदमी अधिक नहीं आए, गर्भवती महिला नहीं आए, 10 साल का बच्चा नहीं आए, तो ये एप्लीकेबल, ये संभव नहीं है। जैसे आज आप कैसे पता लगाओगे कि भाई ये महिला गर्भवती, 3 महीने की महिला का तो पता ही नहीं लगता, 4 महीने की महिला का तो पता ही नहीं लगता, तो गर्भवती महिला का तो जो संभव है। कुछ हमारे जो साथी हैं उनका ये विचार था कि जैसे राजगढ़ भैरू धाम वाले ये मंदिर नहीं खोलना चाहते, भजनगढ़ वाले आप हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने कहा हम तो 15 जुलाई तक नहीं खोला। हमारा ये है कि साहब हमारे तो हम अस्पताल के सामने हैं, हमारे यहाँ रोज़ लोग आते हैं, हमारे मंदिर से आरओ प्लांट से हज़ारों लोग पानी रोज लेकर के जाता है। हम जो भी मार्गदर्शन, मेरा उसमें सुझाव था कि सूचना पट पर ये जो हमें गाइडलाइन देंगे वो हम फ्लेक्स पे लगा देंगे कि भाई ये चीज़ें हैं। आरती में पैसा दान पात्र में, क्योंकि अगर पैसा नोट, अगर सैनिटाइज कैसे करोगे, नोट सैनिटाइज हो नहीं सकते, आरती नहीं होगी, पार्किंग की अपनी व्यवस्था, जूतों की आप अपने हम खुलवा करके हम सैनिटाइज़र दे देंगे। कई लोगों को सैनिटाइज़र में अल्कोहल होने की आपत्ति होती है, तो हम वहाँ साबुन और वो रखने की व्यवस्था कर देंगे, टनल बना देंगे, जो उसमें से टनल में से वो आदमी निकले तो वो पूरा टोटल सैनिटाइज होकर के निकले। और प्रसाद चढ़ाने पर पाबंदी है, तो प्रसाद तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि चढ़ाया जाए, और प्रसाद बांटने पर पाबंदी है कि प्रसाद बांटा नहीं जाए। तो वो जो एक मार्गदर्शन चित्र है, जैसे ये फ्लैश का बोर्ड बन गया, इस पर जो ये 11 पॉइंट देंगे तो उसका प्रवेश निकास अलग अलग है, तो हम वही का वही बना करके मंदिरों के द्वार पे लगा देंगे। और उसका पैम्पलेट भी बना के एक बार ही तो देना है उसको कि मंदिर खोलने का, क्योंकि रात को 9 बजे बाद मंदिर नहीं खुल सकता। 9 बजे जब कर्फ्यू लग जाता है तो 8:30 तक जो भी हमें टाइम मिलेगा उसको दे के सुबह, क्योंकि मंगला, श्रृंगार, छैन, गोधूली और ग्वाल, ये जो 5 झांकियाँ होती हैं, 5 टाइम होती हैं, तो उनको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे अभी चल रहा है उसी तरह से, उसी के अनुरूप ये चलता रहेगा। पर मंदिर खोलने का जो परिप्रेक्ष्य में कि जो भी है कि अब 3 महीने हो गए हैं, लोगों की आस्थाएं, लोग दुखी होकर के मंदिर आता है, लोग कोई भगवान से मांगने आता है, तो हमारी भी ये विनती है कि भगवान इसको, इस महामारी को, इसको दूर करें और लोगों को एक श्रद्धा के साथ जो आएँ उनका वहाँ पर स्वागत सत्कार। राजस्थान सरकार के निर्देश पर मीटिंग की देवस्थान विभाग के नेतृत्व में, अखिल भारतीय निम्बार्काचार्य पीठ की तरफ से हम लोगों ने पक्ष रखा और सबने यही जिज्ञासा प्रकट की कि अब मंदिर खुलने चाहिए, क्योंकि मंदिर अगर नहीं खुलेंगे तो जो वहाँ लोग निर्भर करते हैं उनकी आजीविका कैसे चलेगी, उनका मंदिर का खर्चा वहन करना, वहाँ से गौशाला, वहाँ के जैसे आचार्य पीठ का गुरुकुल चल रहा है, उसके वहाँ के विद्यार्थी, उनका रहन सहन, खान पीन, सब कुछ कैसे चल पाएगा। इसलिए हम लोगों ने तो हमारी तरफ से यही सुझाव रखा कि अब मंदिर खुलने चाहिए। हाँ, उनकी जो पालना, प्रशासन की पालना, उन सबको हम लोग फॉलो करेंगे और यही सब निर्णय हुआ। 65 वर्ष की आयु का, बच्चों का और गर्भवती महिलाओं के लिए उन लोगों ने यही कहा कि हाँ, उनका अगर वहाँ नहीं आया जाए, फिर भी उसमें अगर प्रयास किए जाएँ, यथा योग्य प्रयास किए जाएँ, प्रशासन जैसा निर्देशित करेगा उसको हम लोग सभी जने फॉलो करें। प्रशासन के प्रति प्रशासन ने हम सबको आश्वासित किया कि यहाँ से जो रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी उसके अनुकूल जो भी जैसा निर्देश वहाँ से राजस्थान सरकार देगी
उस अनुकूल मंदिरों को खोलने का प्रयास किया जाएगा। हम लोगों ने यही परामर्श दिया कि अब कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आगे भी अगर जाकर खोलेंगे तो इसकी कोई पता नहीं है कब तक ये खुले न, ये कैसे ठीक हो, कोरोना कब तक जाएगा, पर प्रयास किया जाए। और शास्त्रों में भी विदित है कि अगर भगवान की शक्ति, भगवान की भक्ति एक साथ की जाए तो सभी का मिलकर इस जो कोरोना रूपी जो महाराक्षस है वो यहाँ से चला जाए। हम सबको इसको व्यवस्थाएँ सब जो प्रशासन उनको निर्देशित करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग की और टनल की, सैनिटाइजर की, और सब जितनी भी व्यवस्था प्रशासन में निर्देशित करेगा वो एक पूरा बना कर देगा बोर्ड, उसको हम सब जने फॉलो करें। ये 31 मई के बाद जो अनलॉक शुरू हुआ है और जो राज्य सरकार के निर्देश है कि धार्मिक स्थलों को खोलने से पहले उनमें उनके साथ चर्चा की जाए, उसी के क्रम में आज जो हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो उनके संरक्षक हैं, जो महंत हैं, उनसे हमने चर्चा किया है और उनके जो विचार हैं वो उन्होंने हमें आज अपनी तरफ प्रेषित किया है। तो गवर्नमेंट को जब हम अपनी रिपोर्ट भेजेंगे 25 जून तक, उसमें इनके हम सारे विचारों को, इनके जो भी सुझाव आए हैं उसके साथ हम ये रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। और 30 जून के बाद धार्मिक स्थल को कैसे खोला जाए, उसके लिए क्या नियम हो, क्या मार्गदर्शन दिया जाए, ये सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। और उसमें जो अजमेर के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसके लिए अलग अलग जो सुझाव हैं हम उसको एक कॉमन वो बना करके उसमें सुझाव दे करके सरकार को प्रेषित करने का। कोरोना बीमारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान अजमेर जिले के किसानों की समस्या, अस्पताल सहित टिड्डी दल से निपटने के लिए आज भाजपा शहर और देहात के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर किसानों को राहत देने की मांग की है। हमारे देहात के जिलाध्यक्ष बोधड़ा जी, उस करके विधायक सुरेश सिंह राव साहब, देहात के जिलाध्यक्ष बोधड़ा जी और मैं, हम सब एक्चुअली क्या के जो जिले के अंदर समस्या है कोविड-19 के अंदर बहुत बड़ी एक दिक्कत आ रही है, उसके बारे में भी हमने बात करी है कि हॉस्पिटल में जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा नहीं हो रही है, बिजली भी बार बार ट्रिपिंग हो रही है, पानी भी बिसलपुर बांध के अंदर पर्याप्त पानी है फिर भी चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरों में हो पर्याप्त वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। इस तरह से जो किसानों की जो खरीद होनी चाहिए उनकी भी बराबर खरीद नहीं हो पा रही है और इस तरह के कई विषय थे, उन विषय के बारे में हमने कलेक्टर साहब से बात करी है। प्रशासन के जो होनी चाहिए, जैसे 12 मार्च को खेकड़ी के पास वहाँ जूनिया में एक लड़के का अपहरण हो गया 12 मार्च को, अभी तक उसका कोई उसके बारे में कोई पता नहीं लगा है। इस तरह से कई जो चीज़ें हैं, टिड्डियाँ हैं, टिड्डियाँ आए दिन अब के बार 5वीं दफे यहाँ आक्रमण कर दिया है, तो इसके बारे में मुस्तैदी से प्रशासन लगे। नहीं तो आज सबसे बड़ी सुखद बात ये है कि अनाज के रूप में आत्मनिर्भर हैं, यदि किसान की खेती फसल नष्ट हो जाएगी तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। कई बातों के बारे में हमने कलेक्टर साहब को बताया है और उन्होंने भी समझाया कि भाई जैसे 2 महीने का जो प्रवासी राजस्थानियों को 10 किलो गेहूँ और 2 किलो चना दाल देने का था वो सभी जगह उचित मूल्य की दुकानों पर देने चाहिए। उन्होंने सिर्फ पंचायत हेडक्वार्टर में दिया, शहरों में भी जो भेदभाव किया जा रहा है किन्हीं को उचित मूल्य की दुकानों पर दे रहे हैं किसी को नहीं दे रहे हैं, तो हमने कलेक्टर साहब को कहा सभी उचित मूल्य की दुकानों पर जो प्रवासी राजस्थान में 2 महीने का खाद्य सामग्री है उनको देनी चाहिए। इस तरह की कई बातें हैं जो हमने कलेक्टर साहब को बताई है और उन्होंने कहा है कि हम इसमें सुधार करें। होमगार्ड में एडीजी पद संभाल रहे आईपीएस अमृत कलश आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर रहे। दौरे के दौरान कलेक्ट्रेट स्थित होमगार्ड कार्यालय सहित जयपुर रोड स्थित होमगार्ड कार्यालय की सरकारी जमीन का निरीक्षण किया और होमगार्ड से समस्याओं के विषय पर चर्चा भी की। एसआईपीएस संभाग में आईजी रहा हूं करीब 2013 से 2015 के बीच, तो मुझे संभाग के बारे में अच्छी जानकारी और जब से मैं होमगार्ड में लगा तो मेरा ये दायित्व था कि एक बार विजिट करें अपने होमगार्ड के ऑफिस को, यहाँ पे कमांडेंट से बात करूँ। होमगार्ड ने ज़मीन
सरकार ने दी है उसको देखूँ जाके, और उसके लिए फाइल चल रही है, कोशिश करेंगे जैसे जितना जल्दी हो सके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए। यहाँ के सब जो अपने सब सेंटर्स हैं, यहाँ जो स्टाफ है, उनकी जो कुछ समस्याएं हैं, और ख़ासकर इस कोविड के दौर में उनको किस तरह से एज अ कोविड वॉरियर, फ्रंट लाइन वॉरियर ये जो काम कर रहे हैं, इसमें इनको किस तरह की परेशानी आ रही है। हमारे कमांडेंट साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इनको हमेशा प्रोत्साहित किया है। हम लोग भी मुख्यालय की तरफ से जो भी संभव हो सकता है, हमारा सदैव ये प्रयास रहा है कि इनको इनका मनोबल हम लोग ऊँचा रखें। और शिकायत जी जी बताएं। हाँ बताएं, आप बताएं पहले। एक शिकायत मिलती है कि ड्यूटी टाइम पर नहीं मिल पाती, चार चार महीने हो जाते हैं, लेकिन जब से ये सैलरी बढ़ी है तो ड्यूटी कम कर दी गई। ऐसा नहीं है, देखो इनिशियल टीडिंग प्रॉब्लम हर डिपार्टमेंट में होता है, वो भी सेटल हो जाए। आप चाहोगे कि आज ही हो जाए तो वो संभव नहीं है, उसका एक तरीका होता है। हम लोग का प्रयास तो रहेगा कि 100% उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, साल भर का मिले, लेकिन कुछ समस्याएं हैं उसमें, उसका हमें चाहिए कि उसका निस्तारण हो सके। पहले बाहर भी भेजा करते थे, पंचायत चुनाव में पहली बार जो है होमगार्ड को ड्यूटी नहीं दी गई, ऐसे जो कदम हैं ये कुछ पॉलिसी डिसीजंस होते हैं। नहीं नहीं, मनोबल हमारे फोर्स का बहुत ऊपर है, मैं तो ये बोलूँगा बहुत ही अच्छा है। और जिस तरह से आप देखें रोड पर, आप देखें रात भर ये ड्यूटी कर रहे हैं, मनोबल तो कभी नहीं करना चाहिए। अजमेर के यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल रामनिवास बिश्नोई ने आज ईमानदारी की मिसाल पेश की। ड्यूटी के दौरान आगरा गेट सर्किल पर व्यापारी का पर्स जिसमें 6,000 और जरूरी दस्तावेज थे, वह उन्हें लावारिस अवस्था में पड़े मिले। दस्तावेजों में मिले देवी सिंह के पते के आधार पर कांस्टेबल देवी सिंह के पास पहुंचा और उनके जरूरी दस्तावेज और गुम हुई राशि उन्हें सुपुर्द की गई। डालने गया था गौशाला में तो मेरा बटवा गिर गया, जो मेरी दुकान है भारत सीमेंट उद्योग भैंसा कॉम्प्लेक्स भारत निवार पे भैंसा कॉम्प्लेक्स में, तो राम निवास जी पुलिस ट्रैफिक में दीवान साहब जो हैं मेरी दुकान आके मुझे इतला करी कि साहब ये आपका बटवा है, आपका क्या नाम है, मेरा ये है साहब क्या है। मैंने कहा मेरा बटवा खो गया, जो चिंता में हूँ साहब, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास है, आओ आप कोतवाली में मैं आपको दिला देता हूँ। 6,000 और 60 रुपये ऐसे कुछ है करीब। और आईडी में क्या था? आईडी है मेरी मतलब पैन कार्ड है और मोटर का है, वो दुकान का है, कार्ड सब है। क्या कहना चाहोगे ट्रैफिक के लिए? आप ट्रैफिक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे शख्स को जो कि किसी के जमाने में कोई नहीं मिलता है। कौन ने आपका पर्स लौटाया, उनका नाम क्या है? राम निवास जी आगे लगाओ बिश्नोई साहब की बड़ी मेहरबानी से ये काम हुआ। मेरी ड्यूटी आगरा गेट थी ट्रैफिक में, 9:30 मेरे को एक पर्स मिला था रोड पे आगरा गेट और फुहारे की तरफ, तो मैंने देखा इनके पर्स के अंदर आधार का आई कार्ड, पैन कार्ड और दुकान का कार्ड था, देवी सिंह नाम लिखा हुआ। तो मैंने फ़ोन मिलाया तो फ़ोन उनका स्विच हो पा रहा था। बाद में अभी मैं जाके दुकान पे मालूम किया भैंसा कॉम्प्लेक्स में, तो ये मेरे को मिल गए थे कि मेरा पर्स गिर गया। मैंने क्या क्या था पूरा बताया उसने, तो मैं ट्रैफिक ऑफिस में लाके और 6,000 रुपया को इनको वापस सौंप दिया है, पर्स सौंप दिया है और पूरा इनको एकदम खुश करके रवाना कर रहे हैं। क्या नाम है इनका पर्स गिरा था? इनका नाम देवी सिंह जी है, भैंसा कॉम्प्लेक्स में 35 नंबर दुकान है। राज्य सरकार के परिवहन टैक्स वसूलने के विरोध में निजी बस संचालकों ने आज परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, साथ ही सरकार से टैक्स माफ करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने के चलते सोमवार को निजी बस संचालक जिला परिवहन कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 23/2020 से हमारी सरकार ने जो आदेश दिए थे उसके अनुसार हमारी बसें का संचालन आज तक बिल्कुल बंद है, और बसें बंद होने के कारण, संचालन बंद होने के कारण सरकार द्वारा जो टैक्स की डिमांड की जा रही है या टैक्स की माफ़ी नहीं दी जा रही है उसके विषय में हमने पूर्व में भी निवेदन किया था, और परिवहन मंत्री और आयुक्त महोदय ने इस बात को औपचारिक रूप से माना था कि जब बसों का संचालन ही नहीं है तो टैक्स किस बात का, लेकिन आज तक इस प्रकार का कोई भी ठोस आदेश जारी नहीं किया गया, और इस प्रकार का ठोस आदेश जारी नहीं होने के कारण हम सभी बस ऑपरेटर
रास्ता है और साथ ही बसों का संचालन भी इसीलिए बंद है। स्टेज कैरीज, कॉन्टेक्ट कैरीज, ग्रामीण सेवा, नगरीय सभी लोक परिवहन, तो हमारा यही है कि जब नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि अगर बसों का संचालन नहीं है तो टैक्स किस बात का। अन्य प्रदेशों ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हरियाणा और अपने उत्तराखंड, एमपी, इन लोगों ने 6-6 माह का टैक्स माफ कर दिया है, लेकिन राजस्थान सरकार जो है हमारी इस न्यायोचित बात पर भी अभी तक किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं दिया है। इसके विषय में आज समय में एकत्रित हुए हैं। और दूसरी बात, एक विशेष बात यह कि जब गाड़ियों का संचालन नहीं होता है और कोई वाहन स्वामी अगर गाड़ियों का संचालन नहीं करना चाहता है तो हमारे एक उसमें धारा 25 के एक अनुसार नॉन यूज़ की एक धारा है, लेकिन नॉन यूज़ को भी वो उसमें सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। इस व्यवसाय को एक पैकेज देना चाहिए, पैकेज देने के बजाय हमारे से इस प्रकार का आर्थिक भार हम पे डाल रहे हैं। हमारे ड्राइवर, कंडक्टर, हमारे बीमे की रकम, ये सब जारी है, व्यर्थ जारी है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान के अंदर कुल 30,000 बसें हैं, उससे कम से कम 2,00,000 परिवार पलते हैं, और इस प्रकार की इस उद्योग को सरकार क्या चाह रही है पता नहीं, और इस न्यायोचित बात पर अभी तक सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए आज हम सब एकत्रित होकर सरकार ने कोई आश्वासन दिया है। आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग यही है कि टैक्स माफ किया जाए। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पुष्कर नगर पालिका को अपना अधिशासी अधिकारी मिल गया। आज राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति के बाद कीर्ति कुमारी कुमावत ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुष्कर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पद का पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर पालिका कर्मियों सहित पार्षदों ने कुमावत का स्वागत किया है, साथ ही पार्षदों ने उम्मीद जताई है कि पुष्कर के जो आम समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द निराकरण होगी। तो वहीं कुमावत ने भी लोगों को और पार्षदों को भरोसा दिलाया है कि जितनी भी पुष्कर की समस्याएं हैं, चाहे वो सीवरेज की समस्या हो या साफ सफाई से जुड़ी हो या और दूसरे काम हो, लोगों को अब आम काम, छोटे छोटे कामों के लिए पुष्कर नगर पालिका के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और जल्द से जल्द काम लोगों के होंगे और जल्द से जल्द राहत प्रदान की जाएगी। पुष्कर से दिलीप नागरक, साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज। ओम स्वशिन इंद्रो वेद स्वाहा, स्वशिन गोका विश्वमेधा, स्वशिन को अरिष्टने, स्वशिन बृहस्पतिदा, लक्ष्मी शबनम महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम श्रीनो व्यासं मरिकंदिका। ओम मरिघाण समरूपं मरिघाण प्राथमिकता जो भी जनता के काम है उनको प्राथमिकता से किया जाए, किसी को भटकना नहीं पड़े। जो भी सफाई व्यवस्था है या जो भी सीवरेज की समस्या है उन सबको प्राथमिकता से करेंगे। मैडम, पुष्कर के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या साफ सफाई की, सीवरेज की है, जो कि बरसों पुरानी समस्या चल रही है, उसमें आप क्या करना चाहते हैं? सीवरेज का तो देखते हैं, जो भी प्लान चल रहा है उस हिसाब से काम करेंगे, गवर्नमेंट से सहायता मिलेगी तो वो भी आगे करेंगे। आज नए अधिशासी अधिकारी आए हैं कीर्ति कुमारी जी, उनका भी स्वागत करके बाहर निकले हैं, तो यही अपेक्षा है नए अधिकारी से कि भाई पुष्कर साफ रहे, स्वच्छ रहे, पुष्कर की जनता का जल्दी से जल्दी काम हो, और बस इन्हीं अपेक्षाओं के साथ में कोई भी अधिकारी आता है तो उनसे यही अपेक्षा होती है। और सबसे बड़ी जो पुष्कर की समस्या है सीवरेज की, वो जल्दी से जल्दी निपटाई जाए। मैडम काफ़ी एक्टिव लग रही है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है।
जैसे ये रिक्त पद चल रहा था, इसकी कुछ दिन पूर्व हम सारे कांग्रेसी पार्षद दल ने जाके अजमेर जयपुर जाके हमने अवगत कराया, तो उसके तुरंत दो तीन दिन बाद ही इनको कीर्ति कुमारी को पुष्कर नगर पालिका यू लगा दिए थे। हमने आज आए हैं, उनका हमने भव्य स्वागत किया है, सारे कांग्रेसी पार्षदों ने और सब संगठनों ने मिलकर उनका स्वागत किया और हमने उनको बताया कि हमारे पुष्कर में जो जो समस्या है, मुख्य जो सीवरेज समस्या है, उसका आज से काम चालू होना चाहिए और उसकी कार्य योजना आज से बननी चाहिए। ये काम कराए आज मैडम ने चार्ज लिया, एक दो दिन बाद में सारी काम करवाना चाहिए। विकास की बातें तो यह है कि जो पुष्कर की जो समस्याएं हैं, चाहे वो सीवरेज की हो, चाहे साफ सफाई की हो, नगरपालिका संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके लिए हमने मुख्य माननीय हमारे परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, श्रीमान सचिन जी पायलट और सम्माननीय हमारे शांति धारीवाल जी जो नगरीय शासन मंत्री जी है, श्रीमान स्वास्थ्य मंत्री जी रघुजी शर्मा के, हमने चारों से हमने गुजारिश करी थी कि पुष्कर से, पुष्कर का दो ढाई महीने से बिल्कुल विकास अवरुद्ध हुआ हुआ है। जब से हमारे साहब अभिषेक जी गहलोत जब से यहाँ से गए हैं, तब से आम जनता के कार्य, नगर पालिका के संबंधित कोई भी कार्य संपूर्ण या कुछ भी नहीं हो रहा था। इस संबंध में हमने माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय सम्माननीय शांति धारीवाल जी से हमने रघुजी से निवेदन किया, तो उन्होंने हमारे निवेदन के ऊपर, हमारे जो पुष्कर के जो हम कांग्रेस के पार्षदगण हैं उनके निवेदन के ऊपर सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए थे कि भाई आपको हम ऐसी ईओ दे रहे हैं जो आपके साथ रह के, पुष्कर के नागरिकों के साथ रह के और पुष्कर की जनता की भलाई के कार्य किए जाएंगे और नगरपालिका संबंधित कोई भी आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और राज्य सरकार से जो बातें हैं या राज्य सरकार से जो मदद की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को, उस मदद को हम पूरी करवाएंगे। लॉकडाउन के दौरान हर वर्ग प्रताड़ित हुआ है, हर वर्ग को परेशानियों का सामना करना पड़ा है और विशेषकर जो छात्रों को भी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आगे आने वाले जो दिन है उसको लेकर भी छात्र काफ़ी चिंतित है। अपनी फीस माफी सहित छह सूत्री मांगों को लेकर पुष्कर के, पुष्कर में जो राजकीय विद्यालय के छात्र हैं उन्होंने जो उपखंड अधिकारी देविका तोमर को कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा के नाम एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि तीन महीने की फीस माफ की जाए, साथ ही और कई राहत की भी मांग की। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पारासर, स्वामी। आज हमने छात्र हितों को लेकर ज्ञापन किया। इस ज्ञापन में हमारी छह सूत्री मांगे हैं, वो छात्र हितों के लिए। इन मांगों में हमारी सबसे पहली मांग ये है कि बच्चों की जो फीस माफ है, इस तीन महीने के लॉकडाउन में उसके उनके माता पिता इस फीस को भरने में सक्षम नहीं है तो उसको कम किया जाए। दूसरी मांग हमारी जो फीस रिफंड का प्रावधान है उसको सक्षम बनाया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि परिवहन के जो बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए परिवहन की सुविधा में कराई जाए और उनको पास की, बस पास की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। और हमारी एक मांग ये है कि इसके अंदर जब ये कॉलेज विद्यालय ओपन हो तो उसमें संस्था द्वारा बच्चों को, विद्यार्थियों को अच्छी गाइडलाइन दी जाए। किशनगंज थाना अंतर्गत पंचशील ए ब्लॉक में अज्ञात चोरों ने दो मकानों का ताला तोड़कर मकान की अलमारी में रखे नकदी और सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए और फरार हो गए। मकान मालिक गिरधारी गुजर ने किशनगंज थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। ये ए ब्लॉक में, पंचशील ए ब्लॉक के अंदर। कब घटना है, क्या माल गया, पूरी बात बताओ। कल की घटना है, रात की। जो मैं क्या, मेरे पिताजी तबीयत खराब है, मैं तो वहाँ गांव में गया हुआ था दो दिन से, और मेरे ताऊजी का लड़का रहता है राजू, ये नाइट में ड्यूटी करता है रिलायंस मार्केट, तो वहाँ चला गया था। तो ये 9 बजे गया था, फिर सुबह 6 बजे वापस आया, जब देखा दोनों घर मकानों के लोग टूटे हुए थे, तो फिर इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, गया अपना चोरी हो गई, तो फिर मैं आया यहाँ तो देखा दोनों मकानों में जैसे माल गायब था और लोग सारे टूटे हुए थे, अलमारी वगैरह। माल गया, क्या क्या माल गया? अब ये इस राजू मकान में से 15,000 रुपये नगद थे, एक सोने की कंटी थी, फिर एक नाग फेरने की बाली और छोटे मोटे चांदी के वो थे, और ये मेरे मकान के अंदर 25,000 रुपये नगद थे, एक नाक में बाली और एक ताबिश थी सोने की, एक पाजमे की जोड़ी थी तीन, और छोटा मोटा बीटी वगैरह चेन वगैरह ये सब गायब थी। हाँ जी, मुकदमा दर्ज करा दिया। हाँ, मुकदमा दर्ज करा दिया किशनगंज थाने में। दो मकान में हुआ? दोनों मकान में।
रहने वाले हैं। फैसा रोड विनायक विहार कॉलोनी में प्लॉट नंबर 60 है। और सुबह जैसे डेली हम जॉब पे जाते हैं, मम्मी भी नर्स है, वो सुबह निकल गई थी 7:30 बजे। उसके बाद हम और मिसेज भी जॉब में ही है, तो हम लोग निकले थे 10:23 पे, यहाँ से निकल गए थे। तो एक्चुअल मम्मी दो चाबी रहती घर की, तो एक चाबी मम्मी के यहीं छोड़ गए थे। तो जब मम्मी 4:15 बजे वापस आई है, तो मेन गेट का तो लॉक था ही, लेकिन अंदर वाला जो लॉक था वो खुला था और बाकी माल सब बिखरा हुआ था। मिसेज का गोल्ड था पूरा, शादी का ही, और थोड़ा वो कैश था 40,000 समथिंग, गोल्ड था 30-35, 13-14 समथिंग का। ये विनायक विहार कॉलोनी है, फैसा रोड पे, अजमेर बाग के पीछे। थाने में रिपोर्ट करती, 4:15 बजे मम्मी आ गई थी, फिर मम्मी का फ़ोन आते ही हम भी आए, 5 बजे तक मैं यहाँ आ ही गया था, रात में हमने पुलिस में फोन गन थाने में। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।